कोरोना की तीसरी लहर से पहले सीएम शिवराज ने इंदौर को सतर्क रहने का संदेश दिया है। ऐसे में इंडेक्स मेडिकल ग्रुप के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया ने कोरोना का डटकर मुकाबला करने की बात कही है और ऑक्सीजन प्लांट से लेकर जीनोम सेटअप तक स्थापित करने पर जोर दिया है। देखिए एक खास बातचीत। पूरे हिंदुस्तान देश में कोरोना की तीसरी लहर ना आ जाए, ये डर हर किसी को सता रहा है। क्या सरकार और क्या नेता और क्या जनप्रतिनिधि, तमाम लोग कोरोना की तीसरी लहर से डरे हुए हैं और जनता को जागरूक करने के लिए खासे इंतजाम भी किए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार भी सतर्क है। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो आज ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर को लेकर एक सतर्क ट्वीट किया है। किस तरह से तमाम इंदौर के जो निजी अस्पताल हैं वो तैयार हैं, तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडेक्स मेडिकल समूह के चेयरमैन श्री सुरेश सिंह भदौरिया जी। सीधी बातचीत करते हैं भदौरिया जी, इंडेक्स समूह कैसे तैयार है? मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है, क्या आप भी अलर्ट हैं, आप भी तैयार हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी ने कहा है आज के इंदौर वासियों को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोरोना का डेल्टा वेरियंट बहुत बढ़ता जा रहा है और अभी इसका कोई भरोसा नहीं कि एकदम से स्प्रेड बहुत ज़्यादा उसमें होता है और इससे डेथ भी काफ़ी स्थिति व्यापक काफ़ी बढ़ जाती है। तो उसकी स्थिति में हम लोगों ने और हमारे प्रशासन ने, मध्य प्रदेश शासन ने मिलके और हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने हम लोगों को जो भी निर्देश दिए हैं, हमने दो दो ऑक्सीजन के प्लांट नए लगा दिए हैं। दो ऑक्सीजन प्लांट पहले से थे, पीडियाट्रिक के वार्ड हमने अलग से तैयार कर दिए हैं, 150 बेड एक्स्ट्रा अलग सिर्फ पीडियाट्रिक के बना दिए हैं। NICU PICU की अलग से छोटे बच्चों के लिए विशेष व्यवस्थाएँ कर दी हैं और हमने कोरोना की जो टेस्टिंग के लिए थी उसके लिए भी स्पेशल मशीनों का ऑर्डर भी कर दिया है, वो भी एक आध हफ्ते में आ जाएंगी। तो जो टेस्ट पुणे वगैरह होने जाते हैं अभी भी, तो यहीं इंदौर की में हो सकते हैं और तत्काल उनकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी, तो उससे भी तुरंत इलाज संभव, आइडेंटिफाई करके इलाज संभव हो सकेगा। और हम लोगों की तैयारी अच्छी है, इंदौर के प्रशासन की भी तैयारी अच्छी है और हमको लगता है अगर कोई वेरिएंट आएगा भी तो हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे और उसको जैसे दूसरी वेव वो फर्स्ट वेव में हराया है इसको भी हराएंगे। भदौरिया साहब, एक सवाल था कि जिस तरह से इंडेक्स लगातार अपनी सकारात्मक भूमिका निभाता है, चाहे कोरोना की पहली लहर की बात करें या दूसरी लहर की, अब जब थर्ड वेव आने वाली, तो क्या कोई ये चुनौती है या ये माना जाए कि जिस तरह से जीनोम सीक्वेंस मशीन के साथ आप तैयार हैं, चूंकि कहा जा रहा है कि बच्चों पर ये जो तीसरी लहर है इसका कहर ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ऐसे में क्या खास इंतजाम है और क्या मॉनिटरिंग आप जो है रोज़ाना इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में करते हैं ताकि जो तमाम अस्पताल इंडेक्स समूह से जुड़े हुए हैं वहाँ पर जो है सुचारू सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सके? ये जो थर्ड वेव की तैयारी है खासतौर बच्चों का वो है, तो हमारा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट जिसकी जो 10-15 डॉक्टर्स उनके अलग से, फिर PG डॉक्टर्स, फिर MBBS डॉक्टर प्लस नर्सिंग डिपार्टमेंट प्लस पैरामेडिकल, इन सब का डेली ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और उनको हम डेली टेस्ट करते हैं और ख़ासतौर से बच्चों को विशेष रूप से टेस्ट कराते हैं और ये देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेज आ रहे हैं, क्या चेंजेज नहीं आ रहे हैं। और न्यू नेटल से लेके पोस्ट नेटल तक सब बच्चों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और जरा भी कोई परिवर्तन होता है तो उसका टेस्ट हम अलग से भेज के अलग टेस्ट कराते हैं और इसकी समूह की पूरी मतलब पूरी व्यापक तैयारी कर रखी, कहीं से कहीं तक कुछ वो नहीं, कितनी भी आ जाए। हमारे पास 1200 बेड का हॉस्पिटल है, हमने पहले भी 1000 बेड सरकार ने ले रखे थे, अभी भी हम पूरी तैयारी से हैं कि कम से कम 1200 पेशेंट को तो हम संभाल सकते हैं। पहले भी हमने करीबन 30,000 से 40,000 पेशेंट ठीक करके भेजे हैं कोरोना के, और कोरोना का जो वैक्सीनेशन है वो हमारे यहाँ कंटिन्यू चल रहा है, करीबन 25,000 वैक्सीनेशन हमारा सेंटर कर चुका है और हमारे कैंपस में जितने भी डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, अदर स्टाफ है, सारे वैक्सीनेट हो चुके हैं। हम लोगों ने सारे स्टाफ को कंपलसरी कर दिया है कि वैक्सीनेशन इज मस्ट। सर, एक आखिर में ऑक्सीजन प्लांट किस तरह से एडवांस रूप में आपने इंस्टॉल कराया है और इंडेक्स ही एक ऐसा पहला अस्पताल रहा जहां पर जिला प्रशासन की टीम ने भी सबसे पहले मॉनिटरिंग करी, अप्रूवल दिया, आने वाले दिनों के लिए ऑक्सीजन प्लांट कितना बड़ा एक सहयोगात्मक आपको जो है पहलू नज़र आता है और किस तरह से आप जनता को भी अब जो है जागरूक होने का संदेश देंगे, क्योंकि पहली लहर में जरूर जो है हमने इतना डर और इतना भय नहीं देखा कोरोना का जितना दूसरी लहर में देखने को मिला, ऐसे में तीसरी लहर से पहले क्या जागरूकता का संदेश? देखिए, जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, दो प्लांट हमारे पास पहले से थे, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट प्लस लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट। प्रशासन ने हमसे कहा और हमने भी जो सेकेंड वेव के बाद में तैयारियों देखा कि भाई हमको दो ऑक्सीजन प्लांट और लगाना है जी, तो हमने दो ऑक्सीजन प्लांट
और लगा दिए हैं, और हमने साथ साथ उसकी कैपेसिटी 10,000 लीटर कैपेसिटी के दो स्टोरेज टैंक भी बना दिए हैं कि इन केस किसी भी जगह से तकलीफ़ आती है तो बिना प्लांट चलाए हुए भी वो 10,000 लीटर हमारा दो दिन निकाल देंगे, एक दिन निकाल देंगे, जिससे वो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन जनरेट होती जाएगी और ऑक्सीजन की हमको कमी नहीं आएगी। तो हम लोगों ने और प्रशासन के सहयोग से पूरी तैयारी कर रखी है, प्रशासन के मार्गदर्शन में और हमारे डॉक्टर्स की टीम पूरी कंटिन्यूसली मीटिंग हो रही है उनकी और बातचीत की वार्ता चल रहा है और सारी तैयारी है, कहीं कोई कमी नहीं है, जो भी कमी है हम तत्काल दूर करते हैं। तो आपने इंडेक्स मेडिकल समूह के चेयरमैन श्री सुरेश भदौरिया जी जो कि बता रहे थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट के आने से पहले ही इंडेक्स अस्पताल ने तमाम इंतजाम पूरे कर लिए हैं, बात चाहे कोरोना की पहली या दूसरी लहर की ही क्यों ना कर लें, तीसरी लहर का डटकर मुकाबला करने के लिए भी है। इंडेक्स के डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे 7 दिन तैनात हैं ताकि इंदौर को महफूज रखा जा सके और भारत के दिल MP को पूरी तरह से स्वस्थ बनाया जा सके। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।